बड़ी डॉक्टर ने चला गया। तो ये 100 वर्ष तक पहुंचना असंभव जैसा हो जाता है। कोई कोई बिड़लाई आजकल 100 वर्ष तक पहुंच रहा है, 93 का हो गया बहुत हो गया, 85 पे चला गया बहुत हो गया, लोग तो 48 पे हार्ट अटैक हो रहे हैं चले जाते हैं। औसतन आयु 40 वर्ष रह गई, आगे आके और भी कम होगी प्रदूषण के कारण। हमारी फल फ्रूट अन्न जो भी हम खा रहे हैं सब में तो केमिकल मिले हुए हैं, सब में फर्टिलाइजर ऐसे डालते हैं खेतों में, इंजेक्शन लगा दो पंपकिन में, शाम को छोटा सा पंपकिन है इंजेक्शन लगाओ सुबह फूल के ऐसा हो जाता है। तो लोग पंपकिन के पीछे इनाम प्राप्त, पंपकिन ही नहीं हर एक फर्टिलाइज किया जा रहा है गेहूं को चावल को सबको, तो वो स्वाद नहीं है वो टेस्ट नहीं है, बल्कि कुछ 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 गड़बड़ी हो गई है सभी खान पान में। फिर लोग बाग पहले कुछ कभी इस धरती पर जो है सतोगुण प्रवृद्ध हो जाता है तो लोग शुद्ध खान पान करते हैं, शुद्ध क्लाइमेट में रहते हैं, शुद्ध वातावरण पैदा करते हैं। एक मौसम तो आता है भगवान की ओर से, वो तो परम शुद्ध होता है, एक मौसम हम बना देते हैं। प्रदूषण पैदा करके, तो प्रदूषण से जो मौसम परिवर्तन हो जाता है तो लोग परिवर्तन हो जाते हैं, मस्तिष्क के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, मस्तिष्क परिवर्तन हो जाते हैं। भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उनका हमको आभार प्रकट करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए हर बात पर, भोजन करते समय, पानी पीते समय, वस्त्र आभूषण धारण करते समय, कार में बैठते समय, दफ्तर जाते समय, सुंदर घर में प्रवेश करते समय, अपनी पत्नी से बातचीत करते समय, एक दूसरे के दर्शन करते समय, बच्चा पैदा होता है, भगवान को प्रणाम करनी चाहिए, धन्य हो प्रभु मुझे एक बालक दिया। अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन मुझे प्रणाम कर, प्रणाम करने से तू पवित्र हो जाएगा। भगवान को प्रणाम करनी चाहिए सभी को, सुबह शाम दोपहर जब जहां आपका भाव प्रकट हो प्रणाम करनी चाहिए भगवान कि जय हो प्रभु। भोजन की थाली पे बैठे प्रभु को प्रणाम कर दो, भगवान को आह्वान कर दो कि आओ मेरे प्रभु। क्रिश्चियन लोग भी भगवान की प्रार्थना करते हैं भोजन करने से पहले, मुसलमान भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सबको करनी चाहिए, सिख भी करते हैं, भगवान की अरदास करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, हम सबको करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। किसी का आभार प्रकट करना हमारा धर्म है। कोई आपको जल पिलाता है प्यासे हैं तो आप धन्यवाद देते हैं, देना चाहिए। कोई आप अटक गए हैं किसी ने आपका काम सुलझा दिया तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, उसको प्रणाम करके करनी चाहिए कि धन्य है आप, ये आपका बड़प्पन है, इससे आप विस्तृत होते हैं, सुकड़ते नहीं। भगवान को प्रणाम करने से आप विस्तृत होते हैं क्योंकि भगवान में ये सारा संसार समाया हुआ है। कहिए कि सारा ब्रह्मांड ही भगवान का एक स्वरूप है जिसको विराट रूप कहा है। ऐसे ही अनंत में फैली हुई ब्रह्म ज्योति है, वो भी भगवान का एक स्वरूप है। और ब्रह्म ज्योति से भी परे स्वयं भगवान मुरली बजाते हैं, सुंदर श्याम कमल पत्राक्ष, कमल के
नेत्र वाले कमल के फूल की पंखुड़ी होती है, कमल का फूल आपने देखा हो तो कितनी सुंदर, शीतल नाजुक, ललाई लिए हुए गुलाबी जैसी पंखड़ियां होती हैं। तो दो पंखड़ियों को उठा के यहां लगा दो, ऐसे भगवान की सुंदर शीतल दया भरे, करुणा का सागर जिनमें लहराता है, ऐसे शीतल सुखद आनंद देने वाले नेत्र हैं कमल नेत्र, कमल पत्राक्ष उनको कहा है। कमला के वो पति हैं, कमला यानी पूरा वैभव, ये पूरा ब्रह्मांड उनका है जिसमें हम रह रहे हैं। ब्रह्मा जी के सामने भी हमारी स्थिति एक जर्म जैसी है, तो उनकी कृपा है उस प्रभु की जो इतने सिस्टम से ये ब्रह्मांड उन्होंने बनाया, चला रहे हैं। ब्रह्मा जी बनाए, स्वर्ग लोक बनाए, मर्त्य लोक बनाए, पाताल लोक रसातल बनाए, नरक लोक भी बनाए, शंकर भगवान भी इस सुंदर हिमालय के ऊपर कैलाश पर्वत में विराजमान किए। शंकर भोले को देख के आपको याद नहीं आती कि एक दिन हमको मरना है, इसलिए तो शंकर भगवान को कैलाश पर्वत में बैठाया कि आपको याद आती रहे कि हमको भी मरना है। ये प्रलय के देवता हैं, तो प्रलय के देवता को देख के भी आपको मृत्यु याद नहीं आए, यमराज को देख कर के भी किसी को मृत्यु की याद नहीं आए, तो मूर्ख है। जब हमको मृत्यु की याद बनी रहेगी कि हमको भी एक दिन मरना है, तो हमारे दिनचर्या कुछ और होगी, हमारा अहंकार घट हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हम अच्छे काम में लग जाएंगे। हम भूल गए हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। जैसे एक बकरे को कसाई काटने ले जा रहा है, दूसरा बकरा घास खा रहा है, ऐसे ही हमारी हालत हो गई है। आपके सामने लोग मर मर के जा रहे हैं ग्रेवयार्ड शमशान में, और आपको होश नहीं है। यही हमारे आंखों के ऊपर काली पट्टी है, तेली के कोहलू के बैल की तरह। ये गीता माता का ज्ञान आपकी वो काली पट्टियों को खोलता है और आपको दर्शन कराता है इस प्रभु के। हे अर्जुन मुझे प्रणाम करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम कर अर्जुन, मेरा भक्त बन। प्रणाम, प्रभु को प्रणाम करना भी प्रभु की ओर जाना है। प्रणाम करते करते प्रेम हो जाता है प्राणी का परमेश्वर में। जो प्रणाम ही नहीं करते उनके अंदर प्रेम नहीं, उनके हृदय में अहंकार व्याप्त हो जाता है, अहंकार भरा रहता है, अहंकार की गांठ पड़ती चली जाती है हृदय के अंदर, और ये अहंकार ही एक दिन उसको मृत्यु की ओर ले जाता है। और एक बार ही नहीं, बार बार मृत्यु की ओर ले जाता है, अंत ही नहीं आता, हजार बार मृत्यु की ओर ले जाता है, लाख बार मृत्यु की ओर ले जाता है। कभी मनुष्यों में डालता है, कभी गधे घोड़ों में डालता है, कभी कुत्ते बिल्लियों में, सांप कंछड़े बिच्छुओं में डालता है, मेंढक गिद्ध में डालता है। गिद्ध का नाम आया, आपने कभी गिद्ध को किसी जानवर को मार के खाते देखा है? मैंने तो नहीं देखा, मैं ऐसे इलाकों में भारत में रहा हूं जहां बहुत गिद्ध, लेकिन वो मरे हुए पशु के ऊपर ही आते हैं, उनको खाते हैं। मैंने किसी गिद्ध को जानवर को मार के खाते नहीं देखा, जैसे चील खाती है, बाज खाता है, और भी जानवर खाते हैं एक दूसरे को। गिद्ध को मैंने बड़ा शांत देखा, और जो भी पशु मरे, चाहे 10 कोस पे मरे, 5 कोस पे मरे, गिद्ध बड़ा ऊंचा उड़ता है। गिद्ध की आंखें बड़ी तेज होती हैं, पक्षियों में सबसे तीव्र आंखें गिद्ध की होती हैं। रामायण से तो प्रमाण मिलता है कि गिद्ध ने ही
सीता जी की, सीता जी को देखा था अशोक वाटिका में बैठे हुए, और उस बात को हनुमान जी इत्यादि जामवंत इत्यादि लोगों से कहा कि मैं देख सकता हूं लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पंख जल गए। संपाति नाम का गिद्ध था वो। तो गिद्ध जो है मरे पशु को तो खाता है लेकिन मार के नहीं खाता, किसी को सताता नहीं। लेकिन कौवे सताते हैं, कौवे जिंदे पशु में ही कहीं कोई लग जाए कुछ घाव वगैरह, तो मैंने देखा कलकत्ता के चिड़ियाघर में वो जिराफ, जिराफ जो होता है इसको पीठ में पीछे को एक घाव पड़ा हुआ था, और दो कौवे थे वो बारी बारी वो बार बार जो है उसके ऊपर आके उसको खाते थे, उस घाव को फैलाते थे। वो तड़पड़ाता था, छटपटाता था जिराफ। कौवे खाते हैं, कौवे जिंदा का भी खाते हैं, गिद्ध मुर्दा का खाता है, मार के नहीं खाता। मैंने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन ये मनुष्य जाति न जाने क्या क्या करती है, किस किस को मार के खा जाती है। अबॉर्शन जो बच्चे गर्भपात होते हैं उनको भी डॉक्टर बेच देते हैं और खरीदने वाले खरीदते हैं, भून के खा जाते हैं। नर नर को खा रहा है, नरभक्षी, नरभक्षी होते रहे हैं, शास्त्रों में इस नाम है नरभक्षी। तो ये पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन मनुष्यों में ही है। कुत्ता कुत्ते को नहीं खाता, सिंह सिंह को नहीं खाता, गधा गधे को नहीं खाता। गधा घास खाता है बेचारा, वो क्या गधे को खाएगा। ऊंट ऊंट को नहीं खाता, ऊंट भी घास ही खाता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य को भी खाता है। फिर दूसरों की तो कहना ही क्या है, चाहे हाथी हो, क्रोकोडाइल हो, गाय हो, बैल हो, सांड हो, नंदी बाबा, सबको काट के खा रहे हैं। बचा किसी को नहीं रहे, गंदी मक्खियों को भी नहीं छोड़ते, नहीं तो फिर भगवान की जान पहचान कैसे हो। हमारे शुद्ध आहार की कैसे हमको भनक मिले कि हमारा आहार क्या है। हम भगवान को प्रणाम करते नहीं तो अंधकार में रहते हैं, अंधा जीवन जीते हैं। ऊंट को मालूम है, ऊंट अपनी घास को खाता है, बकरी अपनी घास को खाती है, ऊंट भैंस गाय की घास को नहीं खाता। ऊंट की घास अलग होती है, बकरी की भी गाय अलग घास होती है, भैंस गाय की घास भी अलग होती है। ये भी अपनी अपनी घास को पहचानते हैं, जानते हैं और वो ही खाते हैं। किसी भैंस को 15 दिन तक एक खूंटे के बांधो, कुछ मत दो खाने को, सिर्फ पानी भर दो जिससे वो जिंदा रहे, और जैसे ही 16वें दिन जाकर के आप कुछ अच्छा मीट बना करके, बकरा बना करके या मुर्गा बना करके या बीफ बना करके, बड़ा स्वादिष्ट बना करके भैंस के आगे रखोगे, ले भाई खा ले तू, नहीं मर जाएगी। लेकिन मैं आपसे 100% सत्य कहता हूं कि भैंस नहीं खाएगी, वो सूंघ के दूर हट जाएगी, प्राण त्याग देगी लेकिन नहीं खाएगी, वो जानती है कि ये मेरा भोजन नहीं है। धोखे से खिलाया जाता है, धोखे से गायों को गाय का ही मांस खिलाया जाता है। मनुष्य खुद धोखा खाता है और दूसरों को भी धोखा देता है। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रणाम नहीं करता। भगवान को प्रणाम नहीं करेगा तो गलती काम करेगा,
भगवान को प्रणाम करेगा तो प्रणाम करने से कुछ उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में कुछ शुद्धता पैदा होगी तो शुद्ध कार्य करेगा। आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। वेदों के वाक्य हैं, वेद सूत्र है। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है, भोजन आहार की रूपरेखा तो पांचों ज्ञान इंद्रियों से मिलती है। हम पांच ज्ञान इंद्रिय हमारे शरीर में हैं, इन पांचों से हम आहार लेते हैं। आहार क्या? एनर्जी, जहां से हमको शक्ति प्राप्त होती है, जीने की शक्ति। वो एक तो रसना है हमारी जिह्वा, आंख है, कान है, नाक है, स्पर्श है। ये पांचों ज्ञान इंद्रियों से हम आहार लेते हैं। तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियों से जो आहार लेते हैं वो शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी हो सकता है। तो जो अशुद्ध आहार लेते हैं वो तो अंधकार की ओर जाते हैं, और शुद्ध आहार लेते हैं वो उजाले में बने रहते हैं। आहार शुद्धि, जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उसका सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होते हैं। उसका अहंकार भी शुद्ध होता है, प्रभु की सेवा करने वाला अहंकार, पाप कर्म करने वाला अहंकार नहीं, नरक की ओर ले जाने वाला अहंकार नहीं, प्रभु की सेवा में लगाने वाला अहंकार, झूठा अहंकार नहीं, सच्चा अहंकार। तो आए अंतःकरण, आपके अंतःकरण शुद्ध होते हैं आहार शुद्ध करने से। आपके कान हरि कथा सुने, आपकी आंखें संतों के दर्शन करें, आपकी जिह्वा भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाए, आपकी नासिका भगवान श्री के श्री विग्रह पर चढ़ाए हुए फूल, उस फूल एक फूल आपको मिले उसको सूखे, प्रसाद की गंध ले, कितनी सुगंध आती है प्रसाद में भगवान के। कभी गुरुद्वारे गए हैं तो आपको मालूम चलेगा वहां कड़ा प्रसाद बोलते हैं, हलवा बोलते हैं हिंदी में, कड़ा प्रसाद देते हैं हाथों में, खुशबू उठती है उसमें। ऐसी खुशबू घर में आप बनाएंगे हलवा या कड़ा प्रसाद तो नहीं मिलेगी, वो भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद है। स्पर्श भी हम संतों के गुरुजनों के चरणों का करें, शुद्ध भक्तों के आलिंगन करें, मिल जाए आपको तो आप चरण स्पर्श करें। शुद्ध भक्त के आलिंगन के अधिकारी तो सब कोई नहीं होता, तो चरण स्पर्श करें। शुद्ध भक्त अपने चरण भी स्पर्श नहीं करने दे तो उसके चरणों की बची हुई धूली, जब चरण चले गए उस धूली को अपने माथे पर चढ़ाए। तो आपका ये स्पर्श है, ये भी आपका आपको शक्ति देता है। स्पर्श अच्छी जगह स्पर्श करोगे तो आपको शक्ति मिलेगी, बुरे का स्पर्श करोगे तो आपकी शक्ति क्षीण होगी। आहार शुद्धि सत्व शुद्ध हो, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा आहार शुद्ध करने से। शुद्ध आहार लीजिए, इसमें स्पेशली ये हमारी रसना है, टेस्ट स्वाद, इसका महत्व अधिक बतलाया है कि इससे जैसा आहार करोगे तुरंत ये अप और डाउन करती है। बुरा आहार करोगे तो ये डाउन करती है, और अप आहार करोगे तो अप करती है, ऊपर को उठाती है, पवित्र बनाती है आपको। शुद्ध आहार करोगे तो ये पवित्र बनाएगी, अशुद्ध